15,000 रुपए से। सही स्कैम चल रहा है भाई। ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, जेंटलमैन एग्जॉस्ट, जेंटलमैन साउंड, नॉट टू लाउड, नॉट टू लेस। अब मेरे को लग रहा है जल्दी से गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी। वो वाली बीवी नहीं, बीबी। तो यहाँ से रास्ते कट गए हैं, वो वहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे। देखो अभी फ्रेशली लगा था ना, यहाँ से कितना स्मोक बाहर आ रहा है। दोस्तों इससे पहले वाला ब्लॉग जरूर देखना, तभी इस ब्लॉग की पूरी कहानी आपको अच्छे से समझ आएगी। इसमें मैं अपने घर से निकला था 6 hours लेके फॉर द एग्जॉस्ट, और मैं गया था करोल बाग में मोटो किंग, जहां पे आज होगा मेरी बाइक में एग्जॉस्ट चेंज। आ जा भाई, आ जा जल्दी से आ जा। तो दोस्तों बहुत बेसब्री से ना इस बॉक्स का इंतजार हो रहा था। वैसे आपको जल्दी से मैं रेलेवेंसी दे देता हूँ। पिछला ब्लॉग जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा, अगर आपने नहीं देखा तो जल्दी से बताता हूँ। मैं खड़ा हूँ करोल बाग में मोटो किंग मतलब मासूम की शॉप पे, और आज मैं अपनी बाइक में मतलब ब्रांड न्यू ZX6R के अंदर मैं एग्जॉस्ट इंस्टॉल कर रहा हूँ। बहुत सारे ऑप्शन मैंने इससे पहले देखे हैं, बहुत सारे शॉर्ट कैन देखे हैं, इवन SC प्रोजेक्ट का देखा है। एक चीज़ इन्होंने मेरे को फोटो में दिखाई थी, मुझे समझ में आ रही, क्योंकि जिस हिसाब से मैं चीज़ ढूंढ रहा हूँ ना कि आवाज़ भी अच्छी हो, सुंदर भी दिखे, सो वैसा ही कुछ इस बॉक्स के अंदर में है। तो मिलके जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद में इसको बाइक में इंस्टॉल करते हैं, और अगर आवाज़ अच्छी लगी तो डेफिनेटली ये मेरे साथ आज घर जा रहा है। स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। Love it is double or nothing. You ain't getting money, the nigga you bugging. Them ass fat, you know I'ma hug it. Lows by the truck, fuck up the budget. Cashing it in, damn I'ma bucket. OD, you know I overdoes it. If it ain't moolah, we cannot discuss it. Her name ain't Erica, she finna bust it. Her name ain't Mega, but yeah she a stallion. The way that we dressing ran out of Italian. New chain busting, beat the medallion. Pull your own troubles out by the gallon. Her name ain't Lotta, but she from the south. Her name ain't Ruby, she got a big mouth. Putting it in, she sticking it out. Putting it in, she sticking it out. She like salsa, one in a hole, just like a golfer. If you ain't leeching, what can you? भाई अपने पास पोर्शे बॉक्सर थी, बट देखो करेरा भी आ गई। कहने का मतलब है इसको बोलते हैं एक्सेल करेरा, मतलब लॉन्ग कैन है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। एंड इधर देखो कार्बन टिप, बहुत ही सुंदर लग रहा है। थोड़ा लाइट वेट भी है, मतलब बहुत हल्का नहीं है बट भारी नहीं है, लाइट वेट है। एक बार ना इसको भी वेट कर लेते हैं, और दूसरी चीज़ है इसको इंस्टॉल करते हैं और आवाज़ सुनते हैं। और सच्ची में बहुत सुंदर लग रहा है, और मेरे को पता है किसकी याद दिला रहा है, मेरी S1000RR जिसके अंदर मैं एक्रा का लॉन्ग कैन डाला था, कुछ ऐसा ही था। राउंड फिगर 2, तो भाई इसका हमने वेट किया है तो ये आ रहा है अराउंड 2 kg। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं जो मेन हमने स्टॉक कैन हटाया ना उसका क्या वेट है, वो मफलर का क्या वेट है। 4.8, 4.9, थोड़ा स्टेबल होने थे, 4.8, इट इज क्लोज टू 5 kg, 4.8। ठीक है, अब आपको ना जो कैट है उसका भी वेट एक बार दिखाते हैं, क्लोज टू 2.5। सो भाई 5 kg मेन मफलर, 2.5 kg का ये कैट, तो 7.5 kg हटा, बट वो 2 kg ऑलमोस्ट ऐड हो गया, तो 5 kg का वेट शेड है। डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक हेयर, मतलब मेरे को एक तो लुक में सबसे सुंदर सबसे अच्छा ही लग रहा है, दूसरी बात है काफी बेसी है, चीख नहीं रहा बट बहुत प्लेजेंट था इसको हेयर करना। देखो अभी फ्रेशली लगा था ना, यहाँ से कितना स्मोक बाहर आ रहा है।
भाई अब तो वेट नहीं हो रहा, जल्दी से मैं इसको रोड पे चलाना चाहता हूँ और ये एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ साउंड का। बट सो फार आई एम हैप्पी, आई एम इम्प्रेस, मुझे लग रहा है मैंने सही डिसीजन लिया। बट क्या ओपिनियन है भाई? मैं तो बहुत खुश हूँ इस वाले से यार, और डिजाइन इसका ना मजा आ भरी भरी लग रही है ना, इट इज लुकिंग बिगर पूरा यहाँ तक। ये वाला जो कैन आ रहा है ना, मफलर आ रहा है, अच्छा दिख रहा है। ऊपर से कार्बन टेप चार चांद लगा रही है। ये कार्बन के साथ साथ ये वाला जो पार्ट है ये भी टाइटेनियम है, खाओ कसम कैमरे पे है। बट चलो जो है, मैं पसंद कर रहा हूँ इसको, मैं खुश हूँ। क्योंकि ऐसा ना, मैं तो अक्सर अपने ब्लॉग्स में बोलता हूँ किसी को करीना चाहिए किसी को कटरीना, हम तो परिणीति के साथ खुश हैं। तो पसंद अपनी अपनी है। यहाँ पे हमारे पास अलग अलग सारे वैरायटी के ऑप्शन थे। शॉर्ट कैन है जो बहुत लाउड है, वो भी है, बेसी भी है। मेरे को लॉन्ग कैन अच्छे लगते हैं, समाओ मेरे को लगता है ये उम्र का तकाजा है, दो चार बाल भी हमारे वाइट हो रहे हैं। बट आई एम हैप्पी। बट एक इन्फॉर्मेशन है आप सबके लिए यहाँ पे, मेरे तो पीछे बैठने वाली कोई नहीं है, मतलब मेरी बीवी इस पे तो नहीं बैठती, बट गर्लफ्रेंड भी नहीं है। बन गई तो डेफिनेटली मेरे को पता है आना है कहाँ है, क्योंकि इसमें पीछे सीट नहीं आती बाय डिफॉल्ट, कंपनी पैसे बचाती है और शायद टेनर में भी नहीं आती मेरे हिसाब से। सो ये क्या पैकेज है भाई, एक सीट आपको पीछे लगवानी पड़ती है अगर किसी को बिठाना है, और वो बंदा पैर कहाँ रखेगा इसके लिए आपको ये ना ब्रैकेट्स जो है ये भी लगवाने पड़ते हैं दोनों तरफ। और ये मेरे को पता लगा कि 6R के लिए मार्केट में आ गए, और सबसे पहले मासूम के पास है एक्सक्लूसिवली 15,000 में तीनों चीजें। ओह माय गॉड, अब मेरे को लग रहा है जल्दी से गर्लफ्रेंड बनानी पड़ेगी। या अगर किसी के पास है तो प्लीज कॉन्टेक्ट पाजी। बट मजाक से हट के दिस इज द इन्फॉर्मेशन, जिनके पास भी 6R है यू नो क्या क्या चीजें यहाँ पे आ रखी हैं और कहाँ मिलती हैं और मैंने क्या मॉड्स कराए हैं। और आपको भी रहे कोई भी क्वेरी, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा है मोटो किंग मासूम का। बढ़िया है भाई, बढ़िया है, जितनी चाहिए उतनी है। और अभी सिर्फ डी कैड हुआ दोस्तों, अगर ये फुल सिस्टम हो जाए मतलब इसके हेडर भी डल जाएंगे ना, तो पीछे इतने बड़े बड़े फ्लेम आने वाले हैं। सो दैट विल बी फन। अभी बस इंदर भाई की वेट कर रहे हैं, उनकी बाइक उधर खड़ी है। अच्छी बात है सड़कें ऑलमोस्ट सूख गई हैं क्योंकि अभी बारिश होकर हटी है। मेरे को भी देखो उधर चेक पॉइंट लगा है, मेरे को बिल्कुल डर नहीं लग रहा है, अभी मैं बहुत चिल खड़ा हूँ। मैं आगे भी पुलिस होगी मैं बहुत चिल खड़ा हो जाऊँगा, क्योंकि भाई कोई टेंशन नहीं है। हाँ ये इतनी आवाज़ है कि ना मतलब मस्त है, किसी को भी तंग नहीं करने वाली और राइडर को भी प्लेजर दे रही है, मेरे को तो मज़ा आ रहा है। और ना अभी ये आवाज़ बढ़ेगी भी और बढ़ती भी है। कैसे बढ़ती है देखो, अभी दो चीज़ें हैं। पहले तो मैं एयर फिल्टर भी डालने वाला हूँ इसके अंदर में, परफॉर्मेंस और बढ़ेगा। दूसरी चीज़ है कि अभी हेडर चेंज नहीं हुआ, मेरे पास प्रोविजन है हेडर डाल दिया तो ये फुल सिस्टम हो जाएगा और लाउड हो जाएगा। क्योंकि अभी भी हेडर के अंदर ना कहीं पे ऐसे ब्लॉकेज होते हैं, कहीं पे ऐसे पोर्शंस होते हैं जो फ्री फ्लो नहीं होते हैं। देखो भाई, ओए होए होए, अब पता लग रहा है भाई। ओ नहीं, ओ नहीं, ये भी चिल्ला रही है। अभी देखो सिर्फ 12,000 RPM तक गया था मैं। दिल खुश हो गया भाई, आज मौसम भी अच्छा हो गया था, अभी अच्छा है। मतलब देखो दिन में गर्मी थी, अभी ठंडा ठंडा लग रहा है छाती को, और वैसे भी ग्रीनरी है दोनों जगह पे। बढ़िया काम हुआ, बहुत सेटिस्फेक्शन मिली। और मैंने यहाँ पे फ्रेम स्लाइडर भी लगवा लिए हैं MK रेसिंग के। माय गॉड, यू ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर। सो यहाँ से रास्ते कट गए हैं, वो वहाँ जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे, डाउन शिफ्ट मारेंगे क्लच दबा के सही, बट ये लीन करेंगे। और भाई जल्दी से ना मेरे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लो, मैं अब शायद नहीं बेचूंगा इसको, मुझे बहुत मजा आ रहा है, मुझे आज ये एक डिफरेंट पर्सनैलिटी लग रही है, ऐसे लग रहा है हम पहली बार मिले हैं, पहली पहली बार ये हुआ है। बल्ला बल्ला भाई साहब, अलग ही चीज हो गई है ये, अलग ही चीज। देखो ऑब्वियसली डाउन शिफ्ट नहीं मिल रहा, नहीं तो आज आपको दूसरी वाली भी आवाज सुनाता ना, बैं पैं बूम पट बूम पट। सही स्कैम चल रहा है भाई, वहां पे मैंगो बेच रहे हैं येलो लाइट के अंदर में, यहाँ लाल फ्रूट बेच रहे हैं लाल लाइट के अंदर में, बंदे को पता ही नहीं लगे। जो ग्रीन वेजीज है उसके ऊपर ग्रीन लाइट लगा देते हैं, ऐसे लगता है इससे फ्रेश कुछ है ही नहीं, नॉर्मल लाइट में जाके देखो तो बासा माल दे दिया। तो भैया हर लेवल पे स्कैम होते हैं, समझ रहे हो, हर लेवल पे स्कैम होते हैं। नो मैन नो, इस पैच में ना
इतना पानी था, मेरी पूरी बाइक गंदी हो गई, जूते गंदे हो गए, आगे वाली गाड़ी ने इतना पानी उड़ाया क्योंकि देखो उसका बम्पर टूटा हुआ था, मड फ्लैप भी नहीं लगा हुआ था, मेरी बाइक आगे से पूरी गंदी हो गई। मतलब इस एरिया में ज़्यादा बारिश हुई है, देखो सड़कें अभी भी पूरी गीली हैं। सो हैव टू बी वेरी केयरफुल मैन, थ्रॉटल दूंगा बट केयरफुली। हाँ सुनते जाओ, अभी आरपीएम ऊपर जाने दो। जगह नहीं मिली स्ट्रेच करने की, मतलब ले जाता मैं इसको 14,000 आरपीएम पे, उसके बाद भी ना 4 आरपीएम बचते, 4,000 आरपीएम, क्रेजी 18,000 आरपीएम है इसके अंदर में। मतलब प्रैक्टिकलिटी वाइज ना 600 कैटेगरी की बाइकें बढ़िया रहती हैं यार, हीट कम होती है, वैसे मैं नहीं कह सकता फ्यूल एफिशिएंट होती है क्योंकि ये नहीं है, उतना ही माइलेज देती है जितनी बड़ी बाइकें दे रही है, बट पावर के मामले में बहुत बढ़िया होती है। ओवर पावर भी कई बार आपको ना थोड़ी ऐसी सिचुएशन में डाल देता है जहाँ पे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। सो पावर है जितनी चाहिए। लो जी SDA मार्केट में आप सबका स्वागत है भाइयों और बहनों। ये खड़े हैं हमारे पाजी। ए पाजी, हाउ आर, लॉन्ग टाइम नो सी। मैं थोड़ा प्रो राइडर, आपका ब्रो प्रो राइडर। अभी एग्जॉस्ट लगवा गया, वहीं लगाए जेंटलमैन एग्जॉस्ट, जेंटलमैन साउंड, नॉट टू लाउड, नॉट टू लेस, नहीं। आज तो माहौल है भाई, फ्राइडे नाइट है ना, देख रहे हो, मतलब माहौल ही माहौल है, यहाँ लगाते हैं। ये स्लॉट खाली है, नहीं तो जगह खाली रहती है, कई बार मैं आता हूँ अपनी पोर्शे भी लगाता हूँ यहाँ खुल के, आज बाइक भी लगा दी हमने खुल के। नहीं पाजी, ये ना सिर्फ डीकेट पाइप लगा है, ठीक है, और ये लगाया है, हेडर वही है, तो समझ लो मिड पाइप और एंड कैन, और ये लॉन्ग है क्योंकि मैं थोड़ा, आपको पता है उम्र हो गई, बाल बाल वाइट हो गए, और अच्छी आवाज आ रही है। मैं पूरे रास्ते ना खुश था क्योंकि आरपीएम बहुत हाई है इसके अंदर ना, तो मैं खींच पा रहा हूँ, पहले गियर पे 14,000 आरपीएम आवाज ना, उसके बाद जब डाउन आ रही होती है ऐसा लगता है प्लेन लैंड कर रहा है। बाइक कैसी है? बाइक आप ही की है, आप ही बताओ ना कैसी है। बाली बाजी सत श्री अकाल, लॉन्ग टाइम। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। चलो मेरे भाइयों, 10:30 हो रहे हैं एंड यहाँ पे हमारा साउंड अप्रूव हो गया है, पाजी से गप्पे लगा लिए हैं, जल्दी जल्दी मिलेंगे, प्लान करते हैं। एंड अगेन अभी क्या है, बस मैं घर जा रहा हूँ, गाड़ी मेरी बहुत गंदी हो गई है, कल धुलवानी पड़ेगी। एंड दिस इज़ अ गुड प्लेस, आज माहौल है देखो अंदर से बाहर तक भरा हुआ। और ये भाई साहब मेरे को एक बार ना भुवन की याद दिला रहे थे, बीबी की। एंड बीबी का भी एक किस्सा है दोस्तों, जब वो बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं था ना, जहाँ मैं रहता ना वहीं रहता था मतलब बचपन में मिलते रहते थे। इनफैक्ट जब उनका ना वो हुआ था ना फर्स्ट क्या बोलते हैं गोल्ड बटन आया था, तब मैंने उनके घर पे जाके ना फोटो खिंचवाई थी, जस्ट इमेजिन। तो भैया वक्त बदलती है, चीज़ें बदलती हैं, बट ऐसे ही आज वो बंदे को देख के मेरे को बीवी की याद आ गई, वो वाली बीवी नहीं बीबी। ओ भाई पेट्रोल है ना, सही है, टायर देखो, प्रोफाइल देखो, स्लिप ऑन लगा है, सुना ना, ए महंगी बातचीत, सही है भाई। चलो लेट्स मेक अ मूव नाउ, दिल नहीं कर रहा मेरा जाने का मैं दिल कर रहा मैं भी किसी पार्टी में घुस जाऊँ, बट आज वैसा ड्रेसअप नहीं हुआ हूँ मैं। ब्यूटीफुल कार मैन, इन्होंने अच्छी बना रखी है, मतलब ओहो गेट बंद है तो मुझे वहीं से वापस जाना पड़ेगा।